सब्सक्राइब कीजिए फाइन इन्वेस्टमेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट शेयर मार्केट अपडेट्स पाने के लिए। अगर आप नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से ओपन कर सकते हैं, जहां पर 100 रुपए के कैशबैक के साथ आपको और भी अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। आज इस वीडियो में हम क्वालिटी आरओ इंडस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी के आईपीओ की कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, कंपनी के फाइनेंशियल, आईपीओ डिटेल्स और मेरा क्या ओपिनियन है इस आईपीओ को लेकर, इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और आप हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर मैं आपको ट्रेडिंग कॉल्स प्रोवाइड करता हूं। आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो जरूर करें, जहां पर न्यूज अपडेट आपको सबसे पहले मिल जाती है। दोनों का ही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए सबसे पहले इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी किस फील्ड से रिलेटेड है। अब देखिए, देखा जाए तो ये जो कंपनी है, मेनली जो वाटर प्योरीफायर होते हैं उनके प्रोडक्ट बनाने का काम करती है। जैसे कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि वाटर सॉफ्टनर इक्विपमेंट, यानी कि जो वाटर प्योरीफायर होते हैं, जो आपने देखे होंगे आरओ होते हैं, उनमें जो इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जो वाटर है उसको सॉफ्ट करने के लिए, तो देखिए वो इंस्ट्रूमेंट, ये इक्विपमेंट ये कंपनी बनाने का काम करती है। और देखिए यहाँ पर ट्रेडिंग ऑफ आरओ इक्विपमेंट स्पेयर एंड एसोसिएटेड प्रोडक्ट, यानी इससे रिलेटेड प्रोडक्ट कंपनी बनाती है। तो ओवरऑल कहा जाए तो आरओ जो होता है, जो अब वाटर को सॉफ्ट करने के लिए या फिर साफ करने के लिए यूज होता है, उसके जो इक्विपमेंट है वो कंपनी बनाने का काम करती है। अब देखिए बात करते हैं कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की। तो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ में यहाँ पर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट एंड डेडिकेटेड एम्प्लॉय बेस, नेक्स्ट है आपका रिपीट ऑर्डर ऑफ सेटिस्फाई कस्टमर, एंड नेक्स्ट है आपका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विथ सप्लायर्स। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर, तो देखिए फाइनेंशियल यहाँ पर एक ही ईयर के दिए हुए हैं, नवंबर 2021 के फाइनेंशियल यहाँ पर दिए हुए हैं, और जो भी वैल्यू है वो मिलियंस में है। आप देखें एसेट वैल्यू 25 मिलियन के आसपास है, वहीं रेवेन्यू 1.67 मिलियन के आसपास है, वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 0.14 मिलियन के आसपास रहा है। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी के नंबर्स जो हैं बहुत ही वीक हैं, बहुत ही कमजोर हैं, और यहाँ पर कोई और नंबर्स भी मुझे लगता है इसीलिए नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि जो पिछले नंबर हैं वो और ज़्यादा वीक हैं। तो देखिए यहाँ पर जो कंपनी के फाइनेंशियल हैं उसको मैं काफ़ी ज़्यादा वीक की कैटेगरी में रखूंगा। वहीं अगर बात करें आईपीओ डिटेल की, तो देखिए ये आईपीओ 27 जनवरी से 1 फरवरी के बीच ओपन होने जा रहा है अप्लाई करने के लिए। इशू टाइप की बात करें तो फिक्स प्राइस इशू है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर है, और आईपीओ प्राइस की बात करें तो 51 रुपये प्रति इक्विटी शेयर के हिसाब से इसका प्राइस बैंड रखा गया है। मार्केट लॉट की बात करें तो 2000 शेयर एक लॉट में होंगे, और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी आपकी 2000 शेयर ही है। लिस्टिंग की बात करें तो बीएसई एसएमई में ये आईपीओ लिस्ट होगा, और इशू साइज की बात करें तो करीब यहाँ पर 5,30,000 शेयर्स मार्केट में आएंगे ट्रेड होने के लिए, जिनकी टोटल वैल्यू यहाँ पर रहेगी 2.70 करोड़, यानी 3.25 करोड़ के आसपास ये आईपीओ इशू है, और पूरा का पूरा जो इशू है वो फ्रेश इशू के जरिए लाया जा रहा है। तो ये अच्छी बात है कि पूरा पैसा कंपनी के पास ही जाएगा और कंपनी के डेवलपमेंट में ही खर्च किया जाएगा। वहीं अगर नेक्स्ट बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की, यानी कंपनी अपना आईपीओ क्यों लेकर आ रही है, तो इन्होंने कुछ कारण बताए। टू मीट द कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट, नेक्स्ट बताया है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए इनको पैसा चाहिए, नेक्स्ट बताया है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए चाहिए, और नेक्स्ट बताया है कि पब्लिक इशू एक्सपेंसेस के लिए इनको पैसा चाहिए। तो ये चार कारण कंपनी ने बताए हैं कि इन्हीं कारणों की वजह से कंपनी अपना आईपीओ लेकर मार्केट में आ रही है और पैसा रेज कर रही है। वहीं नेक्स्ट अगर बात करें तो देखिए लॉट साइज है, मिनिमम आप एक लॉट ही अप्लाई कर सकते हैं, रिटेल कैटेगरी से 2000 शेयर्स रहेंगे और 1,02,000 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। अगर मैक्सिमम लॉट की बात करें तो मैक्सिमम भी आप रिटेल कैटेगरी से एक ही लॉट कर पाएंगे, 2000 शेयर्स उसमें भी रहेंगे और 1,02,000 रुपये उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो ये लॉट साइज है। वहीं अब बात आती है, देखिए मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करी, कंपनी क्या करती है, फाइनेंशियल क्या है, लॉट साइज क्या है, आईपीओ डिटेल क्या है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब बात आती है कि ये आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या फिर इसको इग्नोर करना है। देखिए जनरली एसएमई आईपीओ में अप्लाई करने की सलाह में तो मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं और हमारे जो निवेशक हैं वो ज़्यादातर रिटेल निवेशक हैं, और रिटेल निवेशकों के पास उतना ज़्यादा कैश नहीं होता है, उनके इन्वेस्टेड पैसे होते हैं और उनको थोड़ा बहुत भी लॉस मायने रखता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो कंपनी, इसके फाइनेंशियल उतने ज़्यादा ठीक नहीं लग रहा है, और जो कंपनी है वो काफ़ी छोटी लग रही है, जिसके कारण मुझे रिस्क ज़्यादा दिखाई देता है, और इसी रिस्क के कारण मैं आपको यही बोलूँगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें आप अप्लाई करके रिस्क पैदा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए 1,00,000 रुपये आपको इन्वेस्ट करना है यहाँ पर, और इतनी छोटी कंपनी है, और अगर इसका शेयर प्राइस 2-4 रुपये भी नीचे चला जाएगा तो आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस होता हुआ
नजर आएगा। तो मेरा मानना है कि इस आईपीओ में आप बिल्कुल भी अप्लाई ना करें। बाकी फिर अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से आपको सलाह लेनी चाहिए और उनके बेसिस पर ही कुछ ही करना चाहिए। यहाँ पर जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है, आपके थोड़ा सा मार्गदर्शन के लिए बनाया गया है। आप मेरा जो व्यू है वो केवल मेरा पर्सनल व्यू है, आप जैसे कि मैंने बताया कि अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से पूछ कर ही कोई सलाह लें। तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।